महापुराण उत्तर पुराण एक सप्त तितमम पर्व 71वां पर्व। अथांतर कंस की स्त्रियों द्वारा छोड़े हुए अश्रुजल का पान कर पृथ्वी रूपी वृक्ष से चारों ओर उत्सव रूपी अंकुर प्रकट होने लगे। यह शूरवीर पुण्यात्मा वसुदेव राजा का पुत्र है। कंस के भय से छिपकर व्रज में वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। अनुक्रम से होने वाली वृद्धि न केवल इसके पक्ष की वृद्धि के लिए है अपितु चंद्रमा के समान समस्त पृथ्वी की संसार की वृद्धि के लिए है। इस प्रकार नगरवासी तथा देशवासी लोग जिसकी स्तुति करते थे, जिन्होंने राजा उग्रसेन को बंधन मुक्त कर दिया था, जो महात्मा थे, जिन्होंने उत्तम धन के द्वारा नंद आदि गोपालों की पूजा कर उन्हें विदा किया था, और जो भाई बंधुओं के साथ मिलकर शौर्यपुर नगर में प्रविष्ट हुए थे, ऐसे श्री कृष्ण का समय सुख से बीत रहा था कि एक दिन कंस की रानी जीव दशा पति की मृत्यु से दुखी होकर जरासंध के पास आई। उसने मथुरापुरी में जो वृत्तांत हुआ था वह सब जरासंध को बतला दिया। उस वृत्तांत को सुनकर जरासंध ने क्रोधवश पुत्रों को यादव के प्रति चढ़ाई करने की आज्ञा दी। वे पुत्र अपनी सेजा सजाकर गए और युद्ध के आंगन में पराजित हो गए तो ठीक ही है, क्योंकि भाग्य के प्रतिकूल होने पर कौन पराजय को प्राप्त नहीं होते। अब की बार जरासंध ने कुपित होकर अपना अपराजित नाम का पुत्र भेजा, क्योंकि वह उसे सार्थक नाम वाला तथा शत्रुओं के लिए यमराज के समान समझता था। भारी सेना को लेकर अपराजित गया और चिरकाल तक उसने 346 बार युद्ध किया, परंतु पुण्य क्षीण हो जाने से उसे भी परामुख होना पड़ा। तदंतर मैं पिता की आज्ञा से यादवों को अवश्य जीतूंगा, ऐसा संकल्प कर उसने उद्यमी कालयवन नामक पुत्र ने प्रस्थान किया। कालयवन की आज्ञा सुनकर अग्रशोची यादवों ने शौर्यपुर, हस्तिनापुर और मथुरा तीनों ही स्थान छोड़ दिए। कालयवन उनका पीछा कर रहा था तब यादवों ने की कुल देवता बहुत सा ईंधन इकट्ठा कर तथा ऊंची लौ वाली अग्नि जलाकर और स्वयं एक बुढ़िया का रूप बनाकर मार्ग में बैठ गई। उसे देखकर युवा कालयवन ने उससे पूछा कि यह क्या है। उत्तम बुढ़िया कहने लगी, हे राजन सुन, आपके भय से मेरे सब पुत्र यादवों के साथ इस ज्वाला में भयंकर अग्नि में गिरकर मर गए थे। बुढ़िया के वचन सुनकर कालयवन कहने लगा, अहो मेरे भय से समस्त शत्रु मेरी प्रतापाग्नि के समान इस अग्नि में प्रविष्ट हो गए। ऐसा विचार कर वह शीघ्र ही लौटा और झूठा अहंकार धारण करता हुआ पिता के पास पहुंच गया। आचार्य कहते हैं कि इस बिना विचारी चेष्टा को धिक्कार है। इधर चलते चलते यादवों की सेना अपना स्थान बनाने के लिए समुद्र के किनारे ठहर गई। वहाँ कृष्ण ने शुद्ध भावों से दर्भ के आसन पर बैठ कर विधिपूर्वक मंत्र का जाप करते हुए अष्टोपवास का नियम लिया। उसी समय नैगम नावर देव ने कहा कि मैं घोड़ा का रूप रख कर आऊँगा, सो मुझ पर सवार होकर तुम समुद्र के भीतर 12 योजन तक चले जाना, वहाँ तुम्हारे लिए नगर बन जाएगा। नैगम की देव की बात सुनकर कृष्ण ने नियमानुसार वैसा ही किया, सो ठीक है, क्योंकि पुण्य के रहते हुए कौन मित्र नहीं हो जाता। जो प्राप्त हुए वेग से उद्धत है, जिस पर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और जिसके कानों के चमर निश्चल हैं, ऐसा घोड़ा जब दौड़ने लगा तब मानो श्री कृष्ण के भय से ही समुद्र दो पक्षों को प्राप्त हो गया, सो ठीक ही है, क्योंकि बुद्धि और शक्ति से मनुष्य के द्वारा जल का समूह भेद को प्राप्त हो ही जाता है। उसी समय वहाँ श्री कृष्ण तथा होनहार नेमिनाथ तीर्थंकर के पुण्य से इंद्र की आज्ञा पाकर कुबेर ने एक सुंदर नगरी की रचना की, जिसमें सबसे पहले उसने विधिपूर्वक मंगलों का मांगलिक स्थान और 1000 शुक्रों से सुशोभित दैदीप्यमान एक बड़ा जिन मंदिर बनाया, फिर वप्र, कोठा, पारिखा, गोपुर तथा अट्टालिका आदि से सुशोभित पुण्यात्मा जीवों से युक्त मनोहर नगरी बनाई। समुद्र अपनी बड़ी बड़ी तरंग रूपी भुजाओं से उस नगरी के गोपुर का आलिंगन करता था। वह नगरी अपनी दीप्ति से देवपुरी की हंसी करती थी और द्वारावती उसका नाम था।
जिन्हें लक्ष्मी कटाक्ष उठाकर देख रही है, ऐसे श्री कृष्ण ने पिता वसुदेव तथा बड़े भाई बलदेव के साथ उस नगरी में प्रवेश किया और यादवों के साथ सुख से रहने लगे। अथांतर जो आगे चलकर तीन लोक का स्वामी होने वाला है, ऐसे अहमिंद्र का जीव जब 6 माह बाद जयंत विमान से चलकर इस पृथ्वी पर आने के लिए उद्यत हुआ, तब काश्यप गोत्री हरिवंश के शिखामणि राजा समुद्र विजय की रानी शिव देवी रत्नों की धारा आदि से पूजित हुई और देवियां उसके चरणों की सेवा करने लगी। 6 माह समाप्त होने पर रानी ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रात्रि के पिछले समय 16 सपने देखे और उसके बाद ही मुख कवर में प्रवेश करता हुआ एक उत्तम हाथी भी देखा। तदंतर बंदीजनों के शब्द और प्रातःकाल के समय बजने वाली भेरियों की सुनी सुनकर जागी हुई रानी शिव देवी ने मंगलमय स्नान किया, पुण्य रूप वस्त्राभरण धारण किए और फिर बड़ी नम्रता के साथ राजा के पास जाके उनके अर्धासन पर बैठ गई। पश्चात उसने अपने देखे हुए सपनों का फल पूछा। सूक्ष्म बुद्धि वाले राजा समुद्र विजय ने भी सुने हुए आगम का विचार कर उन सपनों का फल कहा कि तुम्हारे गर्भ में 3 लोक के स्वामी तीर्थंकर अवतीर्ण हुए हैं। उस समय रानी शिव देवी सपनों का फल सुनकर ऐसी संतुष्ट हुई मानो उसने तीर्थंकर को प्राप्ति कर लिया हो। उसी समय इंद्रों ने भी अपने अपने चिन्हों से जान लिया। वे सब बड़े हर्ष से मिलकर आए और स्वर्गावतरण कल्याण गर्भ कल्याण का महोत्सव करने लगे। उत्सव द्वारा पुण्योपार्जन करके वे अपने अपने स्थान पर चले गए। फिर श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन चित्रा नक्षत्र में ब्रह्म योग के समय 3 ज्ञान के धारक भगवान का जन्म हुआ। तदंतर अपने आसन कंपित होने से जिन्हें अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसे सौधर्म आदि इंद्र हर्षित होकर आए और नगरी को घेर कर खड़े हो गए। तदंतर जो नीलकमल के समान कांति के धारक हैं, ईशान इंद्र ने जिन पर छंद्र लगाया है और नमस्कार करते हुए चमर और वैरोचन नाम के इंद्र जिन पर चमर ढोते रहे, ऐसे जिनेन्द्र बालक को सौधर्म इंद्र ने बड़ी भक्ति से उठाया और कुबेर निर्मित 3 प्रकार की मणिमय सीढ़ियों से मार्ग से आगे चलकर उन्हें एरावत हाथी के स्कंद पर विराजमान किया। अब इंद्र आकाश मार्ग से चलकर सुमेरु पर पहुंचा। वहां उसने सुमेरु पर्वत की ईशान दिशा में पांडुक शिला के अग्रभाग पर जो अनादि निधन मणिमय सिंहासन रखा है, उस पर सूर्य से भी अधिक तेजस्वी जिन बालक को विराजमान कर दिया। वहीं उसने अनुक्रम से हाथों हाथ लाकर इंद्रों के द्वारा सौंपे हुए एवं सागर के जल से भरे सुवर्ण में 1008 दैदीप्यमान कलशों के द्वारा उनका अभिषेक किया। उन्हें इच्छानुसार यथायोग आभूषण पहनाए और ये समीचीन धर्म रूपी चक्र की नेमी है, चक्रधारा है, इसलिए उन्हें नेमीनाथ से संबोधित किया। फिर सौधर्मेन ने मुकुटबद्ध इंद्रों के द्वारा माननीय महाभ्योदय के धारक भगवान को सुमेरु पर्वत से लाकर माता पिता को सौंपा। विक्रिया के द्वारा अनेक भुजा बनाकर रस और भाव से भरा हुआ आनंद नाम का नाटक किया और यह सब करने के बाद वह समस्त देवों के साथ अपने अपने स्थान पर चला गया। भगवान नमीनाथ की तीर्थ परंपरा के बाद 500,000 वर्ष बीत जाने पर नेमी जिनेन्द्र उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी अंतराल में शामिल थी। उनकी आयु 1000 वर्ष की थी। शरीर 10 धनुष था। उनके संस्थान और सहनन उत्तम थे। तीनों लोकों के इंद्र उनकी पूजा करते थे और मोक्ष उनके समीप था। इस प्रकार वे दिव्य मुखों का अनुभव करते हुए चिरकाल तक द्वारावती में रहे। इस तरह सुखोभोग का उपभोग करते हुए उन्होंने बहुत भारी समय एक क्षण के समान बीत गया। किसी एक दिन मगध देश में रहने वाले कितने ही वैश्य पुत्र, जो कि जल मार्ग से व्यापार करते थे, पुण्योदय से मार्ग भूलकर द्वारावती नगरी में आ पहुँचे। वहाँ की राजलीला और विभूति देख कर आश्चर्य पड़ गए। वहाँ जाकर उन्होंने बहुत से श्रेष्ठ रथ खरीदे। तदंतर राजगृह नगर जाकर उन वैश्य पुत्रों ने अपने सेठ के आगे किया और उन रत्नों को भेंट देके चक्ररथ के धारक राजा जरासंध के दर्शन किए। राजा जरासंध ने उन सबका सम्मान कर पूछा, अहो वैश्य पुत्रों, आप लोगों ने यह रत्नों का समूह कहाँ से प्राप्त किया? राजा जरासंध ने उनका सम्मान कर उनसे पूछा, अहो वैश्य पुत्रों, आप लोगों ने यह रत्नों का समूह कहाँ से प्राप्त किया है? यह अपनी उठती हुई किरणों से ऐसा जान पड़ता है मानो कौतुकवश इसने नेत्र ही खोल रखे हों। उत्तर में वैश्य पुत्र कहने लगे, हे राजन सुनिए,
हम लोगों ने एक बड़ा आश्चर्य देखा है, और ऐसा आश्चर्य जिसने कि पहले कभी नहीं देखा है। समुद्र के बीच में एक द्वारावती नगरी है जो ऐसी जान पड़ती है मानो पाताल से ही निकलकर पृथ्वी पर आई हो। वहाँ चूना से पुते हुए बड़े बड़े भवन सघनता से विद्यमान हैं, जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्र की फेन का समूह ही नगरी के आकार परिणत हो गया हो। वह शत्रुओं के द्वारा लंघनीय है, अतः ऐसी जान पड़ती है मानो भरत चक्रवर्ती का दूसरा पुनी हो। भगवान नेमिनाथ की उत्पत्ति का कारण होने से वह नगरी सब नगरियों में उत्तम है, कोई भी उसका विघात नहीं कर सकता है। वह याचकों से रहित है, वह उसके महलों पर बहुत सी पताकाएं फहराती रहती है। इसे ऐसा जान पड़ता है कि यह गौरव सहित शरद ऋतु के बादलों का समूह मेरे ऊपर रहता है। इस ईर्ष्या के कारण ही मानो महलों के अग्रभाग पर फहराती हुई चंचल पताकाओं रूपी बहुत सी भुजाओं से आकाश में ऊंचाई पर स्थित शरद ऋतु के बादलों को वहां से दूर हटा रही हो। वह नगरी ठीक समुद्र के जल के समान है, क्योंकि जिस प्रकार समुद्र के जल में बहुत से रत्न रहते हैं, उसी प्रकार उस नगरी में भी बहुत से रत्न विद्यमान हैं। जिस प्रकार समुद्र का जल कृष्ण तेज अर्थात काले वर्ण से सुशोभित रहता है, उसी प्रकार वह नगरी भी कृष्ण तेज अर्थात वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण के प्रताप से सुशोभित है। और जिस प्रकार समुद्र के जल में सदा गंभीर शब्द होता रहता है, उसी प्रकार उस नगरी में भी सदा गंभीर शब्द होता रहता है। वह 9 योजन चौड़ी तथा 12 योजन लंबी है, समुद्र के बीच में है तथा यादवों की नगरी कहलाती है। हम लोगों ने ये रत्न वहीं प्राप्त किए हैं, ऐसा वैश्यपुत्र ने कहा। तब देव से चले गए अहंकारी जरासंध ने वैश्य पुत्रों के उक्त वचन सुने तो वह क्रोध से अंधा हो गया, उसकी दृष्टि भयंकर हो गई, यही नहीं बुद्धि से भी अंधा हो गया। जिसकी सेना अप्रकट हुए प्रलय काल से लहराते समुद्र के समान चंचल है, ऐसा वह जरासंध यादव लोगों का शीघ्र नाश करने के लिए तत्काल चल पड़ा। बिना कारण ही युद्ध से प्रेम रखने वाले नारद जी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने शीघ्र ही जाकर श्री कृष्ण से जरासंध के कोप का समाचार कह दिया। शत्रु चढ़कर आ रहा है, यह समाचार सुनकर श्री कृष्ण को कुछ भी आकुलता नहीं हुई। उन्होंने नेमी कुमार के पास जाकर कहा, आप इस नगर की रक्षा कीजिए, सुना है कि मगध का राजा जरासंध हम लोगों को जीतना चाहता है, सो मैं उसे आपके प्रभाव से घुण के द्वारा खाए हुए जीर्ण वृक्ष के समान शीघ्र ही नष्ट किया देता हूँ। श्री कृष्ण के वीरतापूर्ण वचन सुनकर जिनका चित्त प्रसन्नता से भर गया है और जो कुछ कुछ मुस्कुरा रहे हैं और जिनके नेत्र मधुरता से ओतप्रोत हैं, ऐसे भगवान नेमिनाथ को अवधि ज्ञान था, अतः उन्होंने निश्चय कर लिया कि विरोधियों के ऊपर हम लोगों की विजय निश्चित रहेगी। उन्होंने दांतों की दीप्ति दैदीप्यमान कांति को प्रकट करते हुए ओम शब्द कह दिया, अर्थात द्वारावती का शासन स्वीकृत कर लिया। जिस प्रकार जैनवादी अन्यथानुपत्ति रूप लक्षण से सुशोभित पक्ष आदि के द्वारा ही अपनी जय का निश्चय कर लेता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी नेमिनाथ भगवान की मुस्कान आदि से ही अपनी विजय का निश्चय कर लिया था। अथांतर कृष्ण और बलदेव शत्रुओं को जीतने के लिए जय विजय सारण अंगद देव उद्धव सुमुख पद्म जरा सुदृष्टि पांचों पांडव सत्यक दुप्रत समस्त यादव विराट अपरिमित सेनाओं से युक्त घटार्जुन उग्रसेन युद्ध का अभिलाषी चमर विदुर तथा अन्य राजाओं के साथ उद्धत होकर युद्ध की इच्छा के लिए तैयार हुए और वहां से चलकर कुरुक्षेत्र में जा पहुंचे। उधर युद्ध की इच्छा रखने वाले जरासंध भी अपनी गर्मी अहंकार प्रकट करने वाले भीष्म कर्ण द्रोण अश्वत्थामा रुक्म शल्य वृषसेन कृप कृपवर्मा रुधिर इंद्रसेन राजा जयद्रथ हेमप्रभ पृथ्वी का नाथ दुर्योधन दुशासन दुमर्षण दुधर्षण दुर्जय राजा कलिंग भगद तथा अन्य अनेक राजाओं के साथ कृष्ण के सामने आ पहुंचा। उस समय भी श्री कृष्ण की सेना में युद्ध की भेरियां बज रही थी, सो जिस प्रकार कुसुम रंग वस्त्र को रंग देता है, उसी प्रकार उन भेरियों के उठते हुए शब्द भी शूरवीरों के चित्त को रंग दिया था। उन भेरियों का शब्द सुनकर कितने ही राजा लोग देवताओं की पूजा करने लगे और कितने ही गुरुओं के पास जाकर अहिंसा आदि व्रत ग्रहण करने लगे। युद्ध के सम्मुख हुए कितने ही राजा अपने भृत्यों से कह रहे थे कि तुम लोग कवच धारण करो, पैनी तलवार लो, धनुष चढ़ाओ और हाथी तैयार करो, घोड़ों पर जीन का तैयार कर दो, स्त्रियां अधिकारियों के लिए सौंपो,
रथों में घोड़े जोत दो, निरंतर भोग उपभोग की वस्तुओं का सेवन किया जाए और बंदी तथा मागध लोग अपने पराक्रम की वंदना करें, स्तुति करें। उस समय कितने ही राजा स्वामी की भक्ति से, कितने ही स्वाभाविक पराक्रम से और कितने ही शमी हुई ईर्ष्या से, कितने ही यश की पाने की इच्छा से और कितने ही शूरवरों की गति पाने के लोभ से, कितने ही अपने वंश के अभिमान से और कितने ही युद्ध संबंधी अन्य अन्य कारणों से प्राणों का नाश करने के लिए तैयार हो गए थे। उस समय श्री कृष्ण भी बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे। सब आभूषण पहने थे और शरीर पर केशर लगाए हुए थे, जिससे ऐसे जान पड़ता था मानो सिंदूर लगाए हुए हाथी हों। आपकी जय हो, आप चिरंजीव रहें। इस प्रकार बंदीजन उनका मंगल पाठ पढ़ रहे थे, जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चातकों की सुंदर ध्वनि से युक्त नवीन मेघी हों। उन्होंने सज्जनों के द्वारा धारण की हुई पवित्र सुवर्णमय झारी के जल से आचमन किया, शुद्ध जल से शीघ्र ही पूर्ण जलांजलि दी और फिर गंध पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा विघ्नों का नाश करने वाले स्वामी सहित, जिनका कोई स्वामी नहीं, तथा भव्य जीवों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पवृक्ष के समान श्री जिनेन्द्र देव की भक्तिपूर्वक पूजा की, उन्हें नमस्कार किया। तदनंतर चारों ओर गुरुजनों और सामंतों को अथवा प्रामाणिक सामंतों को रखकर स्वयं ही शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके सामने चल पड़े। तदंतर कृष्ण की आज्ञा से अनुराग रखने वाले प्रशंसनीय पारिचारकों ने यथायोग्य रीति से सेना की रचना की। जरासंध भी संग्राम रूपी युद्धभूमि के बीच आ बैठा और कठोर सेनापतियों के द्वारा सेना की योजना करवाने लगा। इस प्रकार जब सेनाओं की रचना ठीक ठीक हो चुकी थी, तब युद्ध के नगाड़े बजने लगे। शूरवीर धनुर्धारियों के द्वारा छोड़े हुए बाणों से आकाश भर गया और उसने सूर्य की फैलती हुई किरणों की संतति को रोक दिया, ढक दिया। सूर्य अस्त हो गया है, इस भय की आशंका से मोहवश चकवा चकवी परस्पर बिछुड़ गए। अन्य पक्षी भी शब्द करते हुए घोंसलों की ओर जाने लगे। उस समय युद्ध के मैदान में इतना अंधकार हो गया था कि योद्धा परस्पर एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, परंतु कुछ ही समय बाद क्रुद्ध हुए मदोन्मत्त हाथियों की दांतों की टक्कर से उत्पन्न हुई अग्नि के द्वारा जब वह अंधकार नष्ट हो जाता और सब दिशाएं साफ साफ दिखने लगती, तब समस्त शस्त्र चलाने में निपुण योद्धा फिर से युद्ध करने लगते थे। विक्रम रस से भरे योद्धाओं ने क्षण भर में खून की नदियां बहा दी। भयंकर तलवार की धार से जिनके आगे के दो पैर कट गए हैं, ऐसे घोड़े उन तपस्वियों को गति को प्राप्त हो रहे थे जो कि तप धारण कर उसे छोड़ देते हैं। जिनके पैर कट गए हैं, ऐसे हाथी इस प्रकार पड़ गए मानो प्रलय काल की महावायु से जड़ से उखड़कर नीले रंग के बड़े बड़े पहाड़ ही पड़ गए हों। शत्रु भी जिनके साहसपूर्ण कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसे पड़े हुए योद्धाओं के प्रसन्न मुख कमल स्थल कमल गुलाब की शोभा धारण कर रहे थे। योद्धाओं ने अपनी कुशलता से परस्पर एक दूसरे के शस्त्र तोड़ डाले थे, परंतु उनके टुकड़ों से ही समीप में खड़े हुए बहुत से लोग मर गए थे। कितने ही योद्धा न ईर्ष्या से, न क्रोध से, न यश से और न फल पाने की इच्छा से युद्ध करते थे, किंतु यह न्याय है ऐसा सोचकर युद्ध कर रहे थे। जिनका शरीर सर्व प्रकार के शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो गया, ऐसे कितने ही योद्धा वीर योद्धा हाथियों के स्कंद से नीचे गिर गए थे, किंतु कानों के आभरणों में पैर फंस जाने से लटक गए थे, जिससे ऐसे जान पाते थे कि मानो वे अपना चित परिचित स्थान छोड़ना नहीं चाहते हों और इसीलिए कानों के अग्रभाग का सहारा ले नीचे की ओर मुख लटक कर हो गए। बड़ी चपलता से चलने वाले कितने ही योद्धा अपने रक्षा के लिए बाएं हाथ में भाल लेकर शत्रुओं वाली दाहिनी भुजा से शत्रुओं को मार रहे थे। आगम में जो मनुष्यों का कदलीघात नाम का अकाल मरण बतलाया गया है, उसकी अधिक से अधिक संख्या यदि हुई थी तो उस युद्ध में ही हुई थी, ऐसा उस युद्ध के मैदान के विषय में कहा जाता है। इस प्रकार दोनों सेनाओं के चिरकाल तक तुमुल युद्ध होता रहा, जिसमें यमराज भी खूब संतुष्ट हो गया था। तदनंतर जिस प्रकार किसी छोटी नदी के जल को महानदी का प्रवाह जल दबा देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की सेना को शत्रु की सेना ने दबा दिया। यह देख जिस प्रकार सिंह हाथियों के समूह पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण खुद होकर सामंत राजाओं की सेना के समूह साथ लेकर शत्रु को मारने के लिए उद्यत हो गए, शत्रु पर टूट पड़े।
जिस प्रकार सूर्य का उदय होते ही अंधकार विलीन हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को देखते ही शत्रुओं की सेना विलीन हो गई, उसमें भगदड़ मच गई। यह देख क्रोध से भरा जरासंध आया और उसने रूक्ष दृष्टि से देखकर अपने पराक्रम से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने वाला चक्ररत्न ले श्री कृष्ण की ओर चलाया, परंतु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर श्री कृष्ण की दाहिनी भुजा पर ठहर गया। परंतु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर श्री कृष्ण की दाहिनी भुजा पर ठहर गया। तदंतर वही चक्र लेकर श्री कृष्ण ने मगधेश्वर जरासंध का सिर काट डाला। उसी समय कृष्ण की सेना में जीत के नगाड़े बजने लगे और आकाश में सुगंधित जल की बूंदों के साथ कल्पवृक्ष के फूल बरसने लगे। उसी समय श्री कृष्ण की सेना में जीत के नगाड़े बजने लगे और आकाश में सुगंधित जल की बूंदों के साथ साथ कल्पवृक्षों के फूल बरसने लगे। चक्रवर्ती श्री कृष्ण ने दिग्विजय की भारी इच्छा से चक्ररथ आगे कर बड़े भाई बलदेव तथा अपनी सेना के साथ प्रस्थान किया। जिनका उदय बलवान है, ऐसे श्री कृष्ण ने मागध आदि प्रसिद्ध देवों को जीतकर अपना सेवक बनाया और उनके द्वारा दिए हुए श्रेष्ठ रत्न ग्रहण किए। लवण समुद्र, सिंधु नदी और विजयार्ध पर्वत के बीच म्लेच्छ राजाओं से नमस्कार कराकर उन्हें अपने पैरों के नखों की कांति भार उठवाया। तदनंतर विजयार्ध पर्वत, लवण समुद्र और गंगा नदी के मध्य में स्थित म्लेच्छ राजाओं को विद्याधरों के साथ ही जितेंद्रिय श्री कृष्ण ने शीघ्र ही वश कर लिया। इस प्रकार आधे भरत के स्वामी होकर श्री कृष्ण ने, जिसके ऊपर बहुत ऊंची पताकाएं फैला रही है और जगह जगह तोरण बांधे गए हैं, ऐसी द्वारावती नगर में बड़े हर्ष से प्रवेश किया। प्रवेश करते ही देव और विद्याधर राजाओं ने उन्हें तीन खंड का स्वामी चक्रवर्ती मानकर उनका बिना कुछ कहे सुने अही अपने आप राज्याभिषेक कर दिया। श्री कृष्ण की 1000 वर्ष की आयु थी, 10 धनुष की ऊंचाई थी, अतिशय सुशोभित नील कमल के समान उनका वर्ण था, लक्ष्मी से आलंगित तो उनका शरीर था, चक्र शक्ति गदा शंख धनुष दंड और नंदक नाम का खड़ग था, ये उनके 7 रत्न थे। इन सभी रत्नों की देवलोग रक्षा करते थे। रत्नमाला, गदा, हल और मुसल, ये दैदीप्यमान 4 महारत्न बलदेव प्रमुख प्रभु के थे। रुक्मणी, सत्यभामा, सती, जामवंती, सुसीमा, लक्ष्मणा, गांधारी, सप्तमी गौरी और प्रिया पद्मावती, ये 8 देवियाँ श्री कृष्ण की पटरानियाँ थीं। इनके सब मिलाकर 16,000 रानियाँ थीं तथा बलदेव के साथ के सब मिलाकर अभीष्ट सुख देने वाली 8,000 रानियाँ थीं। ये दोनों भाई इन रानियों के साथ देवों के समान सुख भोगते हुए परम प्रीति को प्राप्त हो रहे थे। इस प्रकार पूर्व जन्म में किए हुए अपने पुण्यकर्म के उदय से पुष्कल भोगों को भोगते हुए श्री कृष्ण का समय सुख से व्यतीत हो रहा था। किसी एक समय शरद ऋतु में सब अंतापुर के साथ मनोहर नाम के सरोवर में सब लोग मनोहर जल केली कर रहे थे। वहीं पर जल उछालते समय भगवान नेमिनाथ और सत्यभामा के बीच चतुराई से भरा हुआ एक मनोहर वार्तालाप हुआ। सत्यभामा ने कहा कि आप मेरे साथ अपनी प्रिया के समान क्रीड़ा क्यों करते हैं। इसके उत्तर में नेमिराज ने कहा कि क्या तुम मेरी प्रिया इष्ट नहीं हो। सत्यभामा ने कहा कि यदि मैं आपकी प्रिया स्त्री हूँ तो फिर आप अपने भाई कृष्ण किसके पास जाएंगे। नेमिनाथ ने उत्तर दिया कि वे कामिनी के पास जाएंगे। सत्यभामा ने कहा, सुनो तो सही, वह कामिनी कौन सी है। उत्तर में नेमिनाथ ने कहा, क्या तुम नहीं जानती, अच्छा अब जान जाओगी। सत्यभामा ने कहा, सब लोग आपको सीधा कहते हैं पर आप तो बड़े कुटिल हैं। इस प्रकार जब विनोद करते करते स्नान समाप्त हुआ तब नेमिनाथ ने सत्यभामा से कहा कि हे नीलकमल के समान नेत्रों वाली, तू मेरा यह स्नान का वस्त्र ले। सत्यभामा ने कहा कि मैं इसका क्या करूं। नेमिनाथ ने कहा कि इसे धो डाल। तब सत्यभामा कहने लगी कि क्या आप श्री कृष्ण हैं, वह श्री कृष्ण जिन्होंने कि नागशैया पर चढ़कर शार्ग नाम का दिव्य धनुष अनायास चढ़ा दिया था और दिगंध को पूर्ण करने वाला शंख पूरा था, क्या आप में वह साहस है। यदि नहीं है तो आप मुझसे वस्त्र धोने की बात कहते हैं। नेमिनाथ ने कहा कि मैं यह कांड अच्छी तरह कर दूंगा। इतना कहकर वे गर्व से प्रेरित होकर नगर की ओर चल पड़े और आश्चर्यपूर्ण कार्य को करने के लिए आयुधशाला में जा घुसे। वहां वे नागराज के महामणियों से सुशोभित नागशैया पर अपनी ही शैया के समान चढ़े। बार बार स्फरण करने से जिसकी डोरी रूपी लता बड़ा शब्द कर रही है, ऐसा धनुष उन्होंने चढ़ा दिया और दिशाओं के अंतराल को रोकने वाला शंख फूंक दिया। उस समय उन्होंने अपने आप को महान उन्नत समझा, सो ठीक ही है, क्योंकि राग और अहंकार का लेश मात्र भी प्राणी को अवश्य विकृत बना देता है।
जिस समय आयुशाला में यह सब हुआ था उस समय श्री कृष्ण कुसुमचित्रा नाम की सभा भूमि में विराजमान थे। वह सहसा ही यह आश्चर्यपूर्ण काम सुनकर व्यग्र उठे। उनका मन अत्यंत व्याकुल हो गया। बड़े आश्चर्य के साथ उन्होंने किंकरों से पूछा कि यह क्या है। किंकरों ने भी यह अच्छी तरह से पता लगाकर श्री कृष्ण से सब बात ज्यों की त्यों निवेदित कर दी। किंकरों के वचन सुनकर चक्रवर्ती कृष्ण ने बड़े सावधानी के साथ विचार करते हुए कहा कि आश्चर्य है, बहुत समय बाद कुमार नेमिनाथ का चित्र राग से युक्त हुआ है। अब यह नौ यौवन को संपन्न हुए हैं, अतः विवाह के योग्य है। इनका विवाह करना चाहिए, सो ठीक ही है। ऐसा कौन सकर्मा प्राणी है जिसे दुष्ट काम के द्वारा बाधा नहीं होती हो। यह कहकर उसने उन्हें विचार किया कि उग्र वंश रूपी समुद्र को बढ़ाने के लिए चंद्रमा के समान राजा उग्रसेन की जयावती रानी से उत्पन्न हुई राजीमती नाम की पुत्री है, जो सर्वांग सुंदर है। विचार के बाद ही उन्होंने राजा उग्रसेन के घर स्वयं जाकर बड़े आदर से आपकी पुत्री तीन लोक के नाथ भगवान नेमि कुमार की प्रिया हो इन शब्दों के से उस माननीय कन्या की याचना की। इसके उत्तर में राजा उग्रसेन ने कहा कि हे देव, तीन खंड में उत्पन्न हुए रत्नों के आप ही स्वामी हैं और खास हमारे स्वामी हैं, अतः यह कार्य आपको ही करना है। आप ही इसके नाथ हैं, हम लोग कौन होते हैं। इस प्रकार राजा उग्रसेन के वचन सुनकर श्री कृष्ण महाराज बहुत ही हर्षित हुए। तदंतर उन्होंने किसी शुभ दिन में विवाह का उत्सव करना प्रारंभ किया और सबसे उत्तम तथा मनोहर पांच प्रकार के रत्नों का विवाह मंडप बनवाया। उसके बीच में एक वेदिका बनवाई जो नवीन मोतियों का सुंदर रंगावली से सुशोभित थी। मंगलमय सुगंधित फूलों के उपहार तथा वृष्टि से मनोहर थी। उस पर सुंदर नवीन वस्त्र ताना किया था और उसके बीच में सुवर्ण की चौकी रखी हुई थी। उसी चौकी पर नेमि कुमार ने वधू राजीमती के साथ गीले चावल पर बैठने का नेक दस्तूर किया। दूसरे दिन वर के हाथ में जल धारा देने का समय था। उसी समय मायाचारियों में श्रेष्ठ तथा दुर्गति को जाने की इच्छा करने वाले श्री कृष्ण का अभिप्राय लोभ कषाय से तीव्र उदय से कुत्सिल हो गया। उन्हें इस बात की आशंका उत्पन्न हुई कि कहीं इंद्रों के द्वारा पूजनीय भगवान नेमिनाथ हमारा राज्य ना ले ले। उसी क्षण उन्हें विचार आया कि ये नेमि कुमार वैराग्य का कुछ कारण पाकर भोगों से विरक्त हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वे वैराग्य का कारण जुटाने का प्रयत्न करने लगे। उसी समय में एक उपाय आया। उन्होंने बड़े बड़े शिकारियों से पकड़वाकर अनेक मृगों का समूह बुलवाया और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर उनके चारों ओर बाड़ी लगवा दी और वहाँ जो रक्षक नियुक्त किए उनमें यह कह दिया कि यदि भगवान नेमिनाथ दिशाओं का अवलोकन करने के लिए आवे और इन मृगों के विषय में पूछें तो आप लोग साफ कह देना कि आपके विवाह में मारने के लिए चक्रवर्ती ने यह मृगों का समूह बुलवाया है। महापाप का बंद करने वाले श्री कृष्ण ने उन लोगों को आदेश दिया। तदंतर जो नाना प्रकार के आभूषणों से दीप्यमान है, जिनके सिर के बाल सजे हुए हैं, जो लाल कमलों की माला से अलंकृत है, घोरों के खुड़ों से उठी हुई धूली के द्वारा जिन्होंने दिशाओं के अग्रभाग लिप्त कर दिए हैं और जो स्वयं समान अवस्था वाले अतिशय प्रसन्न बड़े बड़े मंडलेश्वर राजाओं के पुत्रों से घिरे हुए हैं, ऐसे नैनाभिमराम भगवान नेमि कुमार भी चित्रा नाम की पालकी पर आड़कूल होकर दिशाओं का अवलोकन करने के लिए निकले। वहाँ उन्होंने घोर करुण स्वर से चिल्ला चिल्ला कर इधर उधर दौड़ते प्यासे दीन दृष्टि से युक्त भय से व्याकुल मृगों को देख दयावश वहाँ के रक्षों से पूछा कि वह यह पशुओं को भारी समूह यहाँ एक जगह किस लिए रोका गया है। उत्तर में रक्षकों ने कहा कि हे देव, आपके विवाह उत्सव में व्यय करने के लिए महाराज श्री कृष्ण ने बुलाया है। यह सुनते ही भगवान नेमिनाथ विचार करने लगे कि ये पशु जंगल में रहते हैं, तृण खाते हैं और कभी किसी का कुछ अपराध नहीं करते, फिर भी लोग इन्हें अपने भोग के लिए पीड़ा पहुँचाते हैं। ऐसे लोगों को धिक्कार है, अथवा जिनके चित्त में गाढ़ मिथ्यात भरा हुआ है, ऐसे मूर्ख तथा दयाहीन प्राणी अपने नश्वर प्राणों के द्वारा जीवित रहने के लिए क्या क्या नहीं करते। देखो, दुर्बुद्धि कृष्ण ने मुझ पर अपना राज ग्रहण करने की आशंका कर ऐसा कपट किया है। यथार्थ में दुष्ट मनुष्यों की चेष्टा कष्ट देने वाली होती है। ऐसा विचार कर वे विरक्त हुए और लौटकर अपने घर आ गए। रत्नतर प्रकट होने से उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर उन्हें समझाया। अपने पूर्व भावों का स्मरण कर वे भय से कांप उठे। उसी समय उन्होंने आकर दीक्षा कल्याणक का उत्सव किया। तदंतर देवकुरु नामक पालकी पर सवार होकर वे देवों के साथ चल पड़े। सहस्त्राम वन के में जाकर तेला का नियम लिया और श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन सायंकाल के समय
कुमार काल के 300 वर्ष बीत जाने पर 1000 राजाओं के साथ साथ संयम धारण कर लिया। उसी समय उन्हें चौथा मनःपर्याय ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान भी निकट काल में हो जाएगा। जिस प्रकार संध्या सूर्य के पीछे पीछे अस्ताचल पर चली जाती है, उसी प्रकार राजीमती भी उनके पीछे पीछे तपश्चरण के लिए चली गई। सो ठीक ही है, क्योंकि शरीर की बात तो दूरी रही, वचन मात्र से भी दी हुई कुल स्त्रियों का यही न्याय है। अन्य मनुष्य तो अपने दुख से भी विरक्त हुए नहीं सुने जाते हैं, पर जो सज्जन पुरुष होते हैं वे दूसरों के दुख से ही महाविभूति का त्याग कर देते हैं। बलदेव तथा नारायण आदि मुख्य राजा और इंद्र आदि देव सब अनेक स्तवनों के द्वारा उन भगवान की स्तुति कर अपने अपने स्थान पर चले गए। पारणा के दिन उन सज्जमोत्तम भगवान ने द्वारावती नगरी में प्रवेश किया। वहां सुवर्ण के समान कांति वाले श्रद्धा आदि गुणों से संपन्न राजा वरदत्त ने परिगहन आदि नवदा भक्ति करके उन्हें मुक्तियों के ग्रहण मुनियों के ग्रहण करने योग्य शुद्ध प्राशुक आहार दिया तथा पंचाशर प्राप्त किए। उनके घर देवों के हाथ छोड़ी हुई 12.5 करोड़ रत्नों की वर्षा हुई, फूल बरसे, मंदता आदि तीन गुणों से युक्त वायु चलने लगी, मेघों ने भीतर छिपे देवों के द्वारा तांडित दुंदुभियों का सुंदर शब्द होने लगा और आपने बहुत अच्छा दान दिया यह घोषणा होने लगी। इस प्रकार तपस्या करते हुए जब उनकी छद्मास्त अवस्था के 56 दिन व्यतीत हो गए, तब एक दिन वे रैव तक गिरनार पर्वत पर तेला का नियम लेकर किसी बड़े भारी बांस के वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। निदान आशौज कृष्ण पूर्णिमा के दिन चित्र नक्षत्र में प्रातःकाल के समय उन्हें समस्त पदार्थों का विषय कराने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। देवों ने केवल ज्ञान कल्याणक की उत्सव कर उनकी पूजा की। उनकी सभा में वरदत्त को आदि लेकर 11 गणधर थे। 400 शुद्ध ज्ञान रूपी समुद्र के पारगमी पूर्वों के जानकार थे। 11,800 शिक्षक थे। 1503 ज्ञान के धारक थे, इतने ही केवल ज्ञानी थे। 1100 विक्रिया रिद्धि के धारी थे। 900 मनःपर्याय ज्ञानी थे और 800 वादी थे। इस प्रकार सब मिला के उनकी सभा में 18,000 मुनिराज थे। यक्षी, राजीमती, कात्यानी आदि मिलाकर 40,000 आरिकाएँ थीं। 1,00,000 श्रावक थे, 3,00,000 श्राविकाएँ थीं। असंख्यात देवियाँ देवियाँ थी और असंख्यात त्रियंश थे। इस तरह 12 सभाओं से घिरे हुए भगवान नेमिनाथ पापों को नष्ट करने वाले धर्मोपदेश रूपी सूर्य की किरणों के प्रभाव से भव्य जीव रूपी कमलों को बार बार विकसित करते हुए समस्त देशों में घूमे थे। अंत में कृतकृत्य भगवान द्वारावती नगरी में आकर रैवतक गिरी के उद्यान में विद्यमान हो गए। अंतिम नारायण कृष्ण तथा बलदेव ने जब यह समाचार सुना तो वे अपने समस्त विभूति के साथ उनके पास गए। वहां जाकर उन्होंने दोनों की वंदना की, धर्म का स्वरूप सुना और प्रसन्नता का अनुभव किया। तदनंतर श्री कृष्ण ने कहा कि हे भगवान, कोई तो कहते हैं कि जीव नाम का पदार्थ है ही नहीं, कोई उसे नित्य मानते हैं, कोई क्षणस्थायी मानते हैं, कोई अणु से भी सूक्ष्म मानते हैं, कोई श्यामक नामक धाने के बराबर मानते हैं, कोई एक अंगुज प्रमाण मानते हैं, कोई 500 योजन मानते हैं, कोई आकाश की तरह आप मानते हैं, कोई एक मानते हैं, कोई नाना मानते हैं, कोई अज्ञानी मानते हैं और कोई उसे विपरीत ज्ञान संपन्न मानते हैं। इसलिए हे भगवान, मुझे जीव तत्व के प्रति संदेह हो रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भगवान से पूछा। भगवान उत्तर देने लगे कि जीव तत्व के विषय में अब तक आप लोगों ने जो विकल्प उठाए हैं उसमें से इस जीव तत्व का एक भी लक्षण नहीं है, यह आप निश्चित समझिए। यह जीव उत्पाद व्यय तथा द्रव्य से युक्त है, गुणवान है, सूक्ष्म है, अपने किए हुए फर्मों का फल भोगता है, ज्ञाता है, ग्रहण किए शरीर के बराबर है, सुख दुख आदि से इसका संवेदन होता है, अनादिकाल से कर्मबद्ध होकर चारों योनियों में भ्रमण कर रहा है। यदि यह जीव भव्य होता है तो कालादि लब्धियों का निमित्त पाकर ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का 6 हो जाने से सम्यकत्व आदि 8 गुण प्राप्त कर लेता है और मुक्त होकर चरम शरीर के बराबर हो जाता है। चूँकि इस जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, इसलिए वह 3 लोक के ऊपर विद्यमान रहता है। इस प्रकार जगत गुरु भगवान नेमिनाथ ने जीव के सद्भाव का निरूपण किया। उसे सुनकर जो भव्य जीव थे उन्होंने जैसा भगवान ने कहा वैसा ही मान लिया, परंतु जो अभव अथवा दूर भव्य थे वे मिथ्यात् के उदय से दूषित होने के कारण
संसार को बढ़ाने वाली अपनी अनादि वासना को नहीं छोड़ सके। तदंतर देवकी ने वरदत्त गणदा से पूछा, हे भगवान, मेरे घर पर दो दो करके 6 मुनिराज भिक्षा के लिए आए थे, उन 6 में मुझे कुटुंबीय जैसा स्नेह उत्पन्न हुआ, सो उसका कारण क्या है? इस प्रकार पूछने पर गणधर भी उस कथा को इस प्रकार कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीप के भरत से संबंधी मथुरा नगर में शौर्य देश का स्वामी शूरसेन नाम का राजा रहता था। उसी नगर में भानुदत्त सेठ के 7 पुत्र थे। उसकी माता का नाम यमुना दत्ता था। उसके 7 पुत्रों में सुभानु सबसे बड़ा था, उससे छोटा भानुकीर्ति, उससे छोटा भानुशूर, 5वां शूरदेव, उससे छोटा शूरदत्त और 7वां शूरसेन था। इन 7 पुत्रों से माता पिता दोनों ही सुशोभित थे और वे अपने पुण्य कर्म के फलस्वरूप गृहस्थ धर्म को प्राप्त थे। किसी दूसरे दिन आचार्य अभनंदी के धर्म से धर्म का स्वरूप सुनकर राजा शूरसेन और सेठ भानुदत्त दोनों ने उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया। इस प्रकार सेठ की स्त्री यमुना दत्ता ने भी जिन दत्ता नाम की आरिका के पास दीक्षा धारण कर ली। माता पिता के चले जाने पर सेठ के 7 पुत्र सप्त व्यसनों में आसक्त हो गए। उन्होंने पाप में पड़कर अपना सब मूलधन नष्ट कर दिया और ऐसी दशा में राजा ने भी उन्हें अपने देश से बाहर निकाल दिया। बाद में वे अवंती देश पर पहुंचे और उज्जैन नगरी के शमशान में छोटे भाई शूरसेन को बैठाकर बाकी 6 भाई चोरी करने के लिए नगरी में प्रविष्ट हुए। उन 6 भाइयों के चले जाने पर उस शमशान में एक घटना और घटी जो इस प्रकार है। उस समय उज्जैनी का राजा वृषभध्वज था। उसने एक दृढ़प्रहार नाम का चतुर सहस्त्र भट योद्धा था। उसकी स्त्री का नाम वपश्री था और दोनों के वज्रमुष्टि नाम का पुत्र था। उसी नगर में विमल चंद्र सेठ की विमला स्त्री से उत्पन्न हुई मंगी नाम की पुत्री थी। वह वज्रमुष्टि की प्रिया हुई थी। किसी एक दिन वसंत ऋतु में उस समय का सुख प्राप्त करने की इच्छा से सब लोग राजा के साथ वन में जाने के लिए तैयार हुए। मंगी भी जाने के लिए तैयार हुई। उसने माला के लिए कलश में हाथ डाला, परंतु उसकी सास वपश्री ने बहू की ईर्ष्या से एक काला सांप माला के साथ उस कलश में पहले ही रख छोड़ा था। सो ठीक ही है, क्योंकि ऐसा कार्य कौन सा कार्य है जिसे स्त्रियां नहीं कर सके। बसंत ऋतु के तीव्र विष वाले सांप ने उस मंगी को हाथ में काटते ही काट खाया, जिससे उसके समस्त शरीर में विष फैल गया और वह उसी समय निश्चेष्ट हो गई। वपश्री बहू को प्याल से लपेटकर शमशान में ले आई। जब वज्रमुष्टि वन कीड़ा समाप्त होने पर लौट आया तो उसने आकुल होकर अपनी माँ से पूछा कि मंगी कहाँ है। माता ने झूठ मूठ कुछ उत्तर दिया, परंतु उससे वह संतुष्ट नहीं हुआ। मंगी के नहीं मिलने से वह बहुत दुखी हुआ और नंगी तीक्ष्ण तलवार लेकर ढूंढने के लिए रात्रि में ही चल पड़ा। उस समय शमशान में वर्धम नाम के मुनिराज योग धारण कर विराजमान थे। वज्रमुष्टि ने हाथ भक्ति से हाथ जोड़कर उनके दर्शन किए और कहा कि हे पूज्य, यदि मैं अपनी प्रिया को देख सकूंगा तो सहस्त्र दल वाले कमलों से आपकी पूजा करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर वज्रमुष्टि आगे गया। आगे चलकर जिसे कुछ थोड़ी सी चेतना बाकी थी, ऐसी विश्व दूषित अपनी प्रिया देखी। वह शीघ्र ही पैर हटाकर उस मुनिराज के समीप ले आया और मुनिराज के चरण कमलों के स्पर्श रूपी औषधि से उसे विश्वित कर दिया। मंगी ने भी उठकर अपने पति का आनंद बढ़ाया। तदंतर गुरुदेव के ऊपर जिसका मन अत्यंत प्रसन्न है, ऐसा वज्रमुष्टि इधर सहस्र कमल दल लाने के लिए चला गया। उधर वृक्षों से छिपा हुआ सूरसेन यह सब काम देख रहा था। वह मंगी की परीक्षा करने के लिए उसके पास आया और उसे अपना शरीर दिखाकर मीठी मीठी बातों, चेष्टाओं, लीलापूर्ण विलोपनों, हंसी मजाक आदि से शीघ्र ही अपने वश में कर लिया। वह सूरसेन कहने लगी, मैं आपके साथ चलूंगी, आप मुझे लेकर चलिए। मंगी की बात सुनकर उसने स्पष्ट कहा कि मैं तुम्हारे पति से डरता हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उत्तर में मंगी ने कहा, तुम डरो मत, वह नीच डरपोक तुम्हारा क्या कर सकता है, फिर भी जिससे तुम्हारी कुछ हानि ना हो वह काम मैं कर देती हूँ। इस प्रकार दोनों की परस्पर बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथ में कमल लिए वज्रमुष्टि आ गया। उसने अपनी तलवार तो मंगी के हाथ में दी और स्वयं वह भक्ति से मुनिराज के दोनों चरण कमलों की पूजा करने के लिए नम्रीभूत हुआ। उसी समय उसकी प्रिया ने उस पर प्रहार करने के लिए तलवार चलाई,
किंतु शूरसेन ने उसके हाथ से उसी वक्त तलवार छीन ली। इस क्रम में शूरसेन के हाथों की उंगलियां कटकर जमीन पर गिर गई। यह देख वज्रमिष्ठि ने कहा कि हे प्रिय डरो मत। इसके उत्तर में मंगी ने झूठ मूठी कह दिया कि हाँ मैं डर गई थी। जिस समय यह सब हो रहा था उसी समय शूरसेन के 6 भाई चोरी का धन लेके आ गए और उसे कहने लगे कि हे भाई तू अपना हिस्सा ले ले। परंतु वह भव्य अत्यंत विरक्त हो चुका था, अतः कहने लगा कि मुझे धन से प्रयोजन नहीं है, मैं तो संसार से बहुत डर गया हूँ, इसलिए संयम धारण करूँगा। उसकी बात सुनकर भाइयों ने कहा तेरे तप ग्रहण करने का क्या कारण है, सो कह। इस प्रकार भाइयों के कहने पर उसने अपने हाथ की कटी उंगलियों का घाव दिखाकर मंगी तथा अपने बीच की सब चेष्टाएं सुनाई। उसे सुनकर सुभानु इस प्रकार स्त्रियों की निंदा करने लगा कि पर पुरुषों में आसक्ति को प्राप्त हुई स्त्रियाँ ही निंदा का स्थान है। वे वर्ण मात्र से सुंदर दिखती हैं और दूसरे पुरुषों को अत्यंत राग से युक्त कर लेती हैं। ये बनावटी प्रेम ही रागी मनुष्यों के नेत्रों को प्रिय दिखती है और अनेक प्रकार के आभूषणों से रमणीय चित्र विचित्र वेश धारण करती हैं। वे विशेष सुख प्राप्त करने के लिए तो बड़ी मधुर मालूम होती है, परंतु अंत में किम्पाक फल के समूह के समान जान पड़ती हैं। आचार्य कहते हैं कि ये स्त्रियाँ किन्हें नहीं नष्ट कर सकती, अर्थात सभी को नष्ट कर सकती हैं। ये स्त्रियाँ केवल अपने पुत्रों की ही माताएँ नहीं हैं, किंतु दोषों की भी माताएँ हैं। और जिस प्रकार बुरी शिक्षा से प्राप्त हुई बुरी विद्याएँ दुख देती हैं, उसी प्रकार दुख देती हैं। ये स्त्रियाँ यद्यपि कोमल हैं, शीतल हैं, चिकनी हैं और प्रायः स्पर्श का सुख देने वाली हैं, तो भी सर्पणी के समान प्राण हरण करने वाली तथा पाप रूप हैं। सांपों का विष तो उनके दांतों के अंत में ही रहता है, फिर भी वह किसी को मारता है और किसी को नहीं मारता, किंतु स्त्री का विष उसके सर्व शरीर में रहता है। वह उसका स्वभावी होने के कारण दूर भी नहीं किया जा सकता और हमेशा मारता ही रहता है। पापी मनुष्य दूसरे प्राणियों का अपकार करते अवश्य हैं, परंतु उनके प्राण रहते पर्यंत ही करते हैं, मरने के बाद नहीं करते। पर दया के साथ द्वेष रखने वाली स्त्रियाँ हिंसा के समान मरणोत्तर काल में भी अपकार करती रहती हैं। जिन नीतिकारों ने अलग से विष कन्याओं की रचना की है उन्हें यह नहीं मालूम रहा कि सभी स्त्रियां उत्पत्ति मात्र से ही अथवा स्त्री जाति मात्र से ही विष कन्याएं होती हैं। ये स्त्रियां कुटिलता की अंतिम सीमा हैं, इनकी क्रूरता का पार नहीं है। ये सदा 5 पाप रूप रहती हैं और इनकी चेष्टाएँ सदा तलवार उठाए रखने वाले पुरुष के समान दुष्टतापूर्ण रहती हैं। फिर ये अनार्य अर्थात म्लेच्छ क्यों नहीं कही जाए। इस प्रकार सुभानु ने अपने भाइयों के साथ संसार से विरक्त होकर अपना सब कमाया हुआ धन स्त्रियों के लिए दे दिया और उन्हीं वर्धम मुनिराज से दीक्षा धारण कर ली। उनकी स्त्रियों ने भी जिनदत्ता नाम की आरिका के समीप तप ले लिया, तो ठीक ही है, क्योंकि निकट भव्य जीवों के तप ग्रहण करने में कौन सा हेतु नहीं हो जाता, अर्थात वे अनायासी तप ग्रहण कर लेते हैं। दूसरे दिन वे सातों ही भाई उज्जैनी नगरी के ऊपर में पधारे। तब वज्रमुष्टि के पास जाके उन्हें विधिपूर्वक प्रणाम किया कि आप लोगों ने यह दीक्षा किस कारण से ली। उन्होंने दीक्षा लेने का यथार्थ कारण था वह बतला दिया। इस प्रकार वज्रमुष्टि की स्त्री मंगी ने भी उन आरिकाओं से दीक्षा धारण का कारण पूछा और यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उन्हीं के शरीर में दीक्षा धारण कर ली। वज्रमुष्टि वर्धन मुनिराज का शिष्य बन गया। सुबानी आदि सातों मुनिराज आयु के अंत में संन्यास मरण कर प्रथम स्वर्ग में त्रायंशिक ज्योति के देव हुए। वहाँ 2 सागर प्रमाण उनकी आयु थी। वहाँ से चयकर अपने पुण्य प्रभाव से घातीखंड द्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी में जो नित्य लोक नाम का नगर है उसके राजा चंद्रचूल की मनोहरी रानी से सुभानु का जीव चित्रांगद नाम का पुत्र हुआ। बाकी 6 भाइयों के जीव भी इन्हीं चंद्रचूल राजा और मनोहरी रानी के 2-2 करके 3 बार में 6 पुत्र हुए। गरुण ध्वज, गरुण वाहन, मणिचूल, पुष्पचूल, गगन नंदन और गगनचर ये उनके नाम थे। उस घातकीखंड द्वीप के पूर्व भरत क्षेत्र में विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक मेघपुर नाम का नगर है। उसमें धनंजय राजा राज करता था। उसकी रानी का नाम शर्षी था। उन दोनों के धनश्री नाम की पुत्री थी जो सुंदरता में मानो दूसरी लक्ष्मी ही थी। उसी विजयात की दक्षिण श्रेणी में एक नंदपुर नाम का नगर है। उसमें शत्रुओं के लिए सिंह के समान राजा हरिशयन राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम श्रीकांता था और उन दोनों के हरिवाहन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वह गुणों से प्रसिद्ध हरिवाहन नाते में
धनश्री के भाई का साला था। उसी भरत क्षेत्र में के अयोध्या नगर में धनश्री का स्वयंवर हुआ। उसमें धनश्री ने बड़े प्रेम से हरिवाहन के वले में वरमाला डाल दी। उसी अयोध्या में पुष्पदंत नाम का चक्रवर्ती राजा था। उसकी प्रीतिंकर स्त्री थी और स्वयं दोनों पाप कार्य में पंडित सुदत्त नाम का पुत्र हुआ। सुदत्त ने हरिवाहन को मारकर धनश्री को स्वयं ग्रहण कर लिया। ये सब देखकर चित्रांगद आदि सातों भाई विरक्त हो गए और उन्होंने श्री भूतांकर तीर्थंकर के चरण मूल में जाकर संयम धारण कर लिया। आयु का अंत होने पर वे सब चतुर्थ स्वर्ग में सामानिक जाति के देव हुए। वहां 7 सागर की उनकी आयु थी और उसके बाद वहां से च्युत होकर इसी भरत क्षेत्र के कुरुजंगल देश संबंधी हसनापुर नगर में श्रेष्ठ श्रेष्ठ वाहन के उसकी स्त्री बंधुमती से सुभानु का जीव शंख नाम का पुत्र हुआ। वह सुभानु धन संपदा में स्वयं कुबेर था। उसी नगर में राजा गंगदेव रहता था। उसकी स्त्री का नाम नंद यशा था। सुभानु के बाकी 6 भाइयों के जीव उन्हीं दोनों के दो दो करके 3 बार में 6 पुत्र हुए। गंगदेव, गंगमित्र, नंद सुनंद और नंदीक्षण ये उनके नाम थे। ये 6 भाई परस्पर में बड़े स्नेह से रहते थे। नंद यशा के जब 7वां गर्भ रहा तब राजा उससे उदास हो गया और रानी ने राजा की उदासी के कारण गर्भ में आया बालक ही समझा। इसलिए उसने रेवती दया को आज्ञा दी कि तू इस पुत्र को अलग कर दे। रेवती भी उत्पन्न होते ही वह पुत्र नंद यशा की बड़ी बहन बंधुमती के लिए सौंप आया। उसका नाम निर्नामक रखा। किसी एक दिन ये सब लोग नंदनवन में गए। वहाँ पर राजा के 6 पुत्र एक साथ खा रहे थे। यह देख के शंख ने निर्नामक से पूछा कि तू भी इनके साथ खा। शंख के कहने पर निर्नामक उनके साथ खाने के लिए बैठा ही था कि नंद यशा उसे देख के क्रोध करने लगी और यह किसका लड़का है, यह कहकर उसे एक लात मार दी। इस प्रकरण से शंख और निर्नामक दोनों को बहुत सुख हुआ। किसी एक दिन शंख और निर्नामक दोनों ही राजा के साथ अवधि ज्ञानी धूम्रसेन नामक मुनिराज की वंदना के लिए गए। दोनों ने मुनिराज की वंदना की, धर्म श्रवण किया और तदंतर शंख ने मुनिराज से पूछा कि नंद यशा निर्नामक से अकारण ही क्रोध करती है। इसका कारण पूछे जाने पर मुनिराज कहने लगे कि सुराज देश में गिरिनगर नाम का नगर है। उसके राजा का नाम चित्ररथ था। चित्ररथ के एक अमृत रसायन नाम का रसोईया था। वह मांस पकाने में बहुत ही कुशल था, इसलिए मांस लोभी राजा ने संतुष्ट होकर उसे 12 गांव दे दिए। एक दिन राजा चित्ररथ ने सुदर्शन नाम के मुनिराज के समीप आगम का उपदेश सुना। उसकी श्रद्धा करने से राजा को रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई, जिसके फलस्वरूप वह मेघरथ पुत्र के लिए राज देख के दीक्षित हो गया और राजपुत्र मेघरथ भी श्रावक बन गया। तदनंतर राजा मेघरथ ने रसोईया के पास एक ही गांव बचने दिया, बाकी सब गांव छीन लिया। इन मुनि के उपदेश से ही राजा ने मांस खाना छोड़ा है और उनके पुत्र ने हमारा गांव छीने हैं, ऐसा विचार कर वह रसोईया उक्त मुनिराज से द्वेष करने लगा। एक दिन उस रसोईया ने सब प्रकार के मसालों से तैयार की हुई कड़वी तुमड़ी का आहार उन मुनिराज के लिए करा दिया, जिससे गिरनार पर्वत पर जाकर उनका प्राणांत हो गया। वे समाधि मानकर अपराजित नामक कल्पातीत विमान में वहां के जगन आयु पाकर बड़ी बड़ी रिद्धियों के धारक अहमिंद हुए। रसोईया आयु के अंत में तीसरे नरक गया और वहां से निकलकर अनेक दुख भुगता हुआ चिरकाल तक संसार में भ्रमण करता रहा। तदंतर इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी मलंग देश के पलाशकुट नगर के यक्षजत गृहस्थ के उसकी यक्षता नाम की स्त्री से यक्ष नाम का पुत्र हुआ। कुछ समय बाद उन्हें यक्षदत्त और यक्षदत्ता के एक यक्षिल नाम का दूसरा पुत्र भी उत्पन्न हुआ। उन दोनों भाइयों में बड़ा भाई अपने कर्मों के अनुसार निर्नुकंप निर्दय था, इसलिए लोग उसकी क्रियाओं के अनुसार निर्नुकंप कहते थे, और छोटा भाई सानुकंप था, दया सहित था, इसलिए लोग उसे सानुकंप कहते थे। किसी एक दिन दोनों भाई गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। मार्ग में एक अंधा सांप बैठा था। सानुकंप के रोकने पर भी दया से दूर रहने वाले निर्नुकंप ने उस अंधे सांप पर बर्तनों भरी गाड़ी बैलों के द्वारा चला दी। उस गाड़ी के बाहर से सांप कट गया और अकाम निर्जरा करता हुआ मर गया। मरकर श्वेत विकर नाम के नगर में वहां के राजा वाधव से उसकी रानी वसुंधरा के नंदशा नाम की पुत्री हुआ। छोटे भाई सानुकंप ने निरंकुप नामक अपने बड़े भाई को फिर से समझाया
कि आपके लिए किस प्रकार दूसरों को दुख देना कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार समझा जाने पर वह शांति को प्राप्त हुआ। वही निर्णुकंप आयु के अंत में मरकर यह निर्नामक हुआ है। पूर्व भव में उपार्जन किए हुए पाप कर्म के उदय से ही नंद झाषा का निर्नापक के प्रति क्रोध रहता है। राजा धूम्रसेन के यह वचन सुनकर राजा के छह पुत्र शंख तथा निर्नामक सब विरक्त हुए और सभी ने दीक्षा धारण कर ली। इसी प्रकार पुत्रों के स्नेह से उत्पन्न हुई रानी इच्छा से रानी ने नंद यशा तथा रेवती दाय ने भी सुव्रता नामक आरिका के समीप संयम धारण कर लिया। किसी एक दिन उन दोनों आरिकाओं ने मूर्खता और दान किया। नंद यशा ने तो यह निदान किया कि आगामी जन्म में भी ये मेरे पुत्र हों और रेवती ने निदान किया कि मैं इनका पालन करूँ। तदंतर तपश्चर्या कर अपनी योग्यता के अनुसार आराधनाओं की आराधना कर आयु के अंत में वे सब महाशुक्र स्वर्ग में सामान्य जाति के देव हुए। वहाँ 16 सागर की आयु थी और सब दिव्य भोगों से वशीभूत रहते थे। वहाँ से च्युत होकर शंख का जीव हल्का धारण करने वाला बलदेव हुआ है और नंदेशा का जीव मृगावती देश के दर्शनापुर नगर के राजा देवसेन की रानी धन देवी से देवकी नाम की पुत्री पैदा हुई है। निदान मंत्र के कारण ही तो स्त्री प्रजा को प्राप्त हुई है। रेवती का जीव मलय देश के भद्रीपुल नगर के सुदृष्टि सेठ की अलका नाम की सरानी हुई है। पहले के 6 पुत्र के जीव 2-2 करके 3 बार में 13 6 पुत्र हुए। उसी समय इंद्र की आज्ञा से कंस के भय से नैगमर्षि देव ने उन्हें अलका सेठानी के घर पर रख दिया था, इसलिए अलका ने ही उन पुत्रों का पालन किया है। देवदत्त, देवपाल, अनिकदत्त, अनिकपाल, शत्रुघ्न और जित शत्रु ये उन 6 पुत्रों के नाम हैं। वे सभी इस भव से मोक्ष प्राप्त करेंगे। वे सब नई अवस्था में दीक्षा लेकर भिक्षा के लिए नगर में आए थे, इसलिए इन्हें देखकर तुझे तेरा पूर्व जन्म से चला आया स्नेह इनसे उत्पन्न हो गया। पूर्व जन्म में जो तेरा निर्नामक नाम का पुत्र था उसने तपस्या करके स्वयंभू नारायण का ऐश्वर्य देखकर निदान किया था, अतः वह कंस का मानने वाला श्री कृष्ण हुआ है। गणधर देव देवकी से कहते हैं कि हे देवकी, तू कहाँ से आई, तेरे ये पुत्र कहाँ से आए और बिना कारण ही इनके साथ ये संबंध कैसे आ मिला। इसलिए जान पड़ता है कि कर्म का उदय बड़ा है, विचित्र है और योगियों के द्वारा भी अगम्य है। इस प्रकार स्वभाव से ही समस्त भव्य जीवों का उपकार करने वाले गणधर भगवान ने यह सब कथा कही। कथा सुनकर देवकी ने उन्हें बड़ी भक्ति से वंदना की। तदंतर भक्ति से भरी सत्यभामा ने भी अक्षरावधि को धारण करने वाले गणधर भगवान से अपने पूर्व भवों का संबंध पूछा। तब गणधर भगवान भी उसका अभीष्ट कहने लगे, सो ठीक ही है, क्योंकि कृतकृत्य मनुष्यों का अनुग्रह को छोड़ के और दूसरा कार्य नहीं रहता है। वे कहने लगे कि शीतलनाथ भगवान के तीर्थ में जब धर्म का विच्छेद हुआ तब बद्रपुर नगर में राजा मेघदत्त राज्य करते थे और उनकी रानी का नाम नंदा था। उसी समय उस नगर में भूति शर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, उसकी कमला नाम की स्त्री थी और उन दोनों के मुंड शालयन नाम का पुत्र था। मुंड शालयन यद्यपि वेद वेदांग का पारगामी था किंतु साथ ही उसकी बुद्धि हमेशा भोगों में आसक्त रहती थी, इसलिए वह कहा करता था कि तप का क्लेश उठाना व्यर्थ है, जिसके पास धन नहीं है ऐसे साहसी मूर्ख मनुष्य ने ही परलोक के लिए इस तप के क्लेश की कल्पना की है। वास्तव में पृथ्वी दान, सुवर्ण दान आदि से ही इष्ट सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार उसने अनेक कृत कृष्टांत और कुहेतुकों को बतलाने में निपुण वाक्यों के द्वारा काय क्लेश के सहने में असमर्थ राजा को झूठ मूठ उपदेश दिया। राजा को ही नहीं, अन्य दुर्बुद्धि मनुष्यों के लिए भी वह अपने जीवन भर ऐसा ही उपदेश देता रहा। अंत में मरकर वह 7वें नरक गया। वहां से मरकर तिरंच हुआ। इस तरह नरक और तिरंच की गति घूमता रहा। अनुक्रम से वह गंधमालन पर्वत से निकली हुई गंधवती नदी के समीप पड़ती भल्लकी नाम की पल्ली में अपने पाप कर्म के उदय से काल नाम का भील हुआ। उस भील ने किसी समय वर्धन नामक मुनिराज के पास जाके मधु आदि 3 मकारों का त्याग किया। उसके फलस्वरूप वह विजयात पर्वत पर अलका नगरी के राजा पुरबल और उनकी रानी
ज्योतिर्माला के हरिबल नाम का पुत्र हुआ। उसने अनंतवीर नाम के मुनिराज के पास द्रव्य संयम धारण कर लिया, जिससे मरकर वह सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। वहां से चित्त होकर उसी विजयात पर्वत पर रत्नपुर नाम के राजा सुकृति से उनकी स्वयंप्रभा रानी से तू सत्यभामा नाम की पुत्री हुई है। एक दिन तेरे पिता ने निमित्त आदि के जानने में कुशल किसी निमित्त ज्ञानी से पूछा कि मेरी यह पुत्री किसकी पत्नी होगी। इसके उत्तर में उस श्रेष्ठ निमित्त ज्ञानी ने कहा था कि यह अर्धचक्रवर्ती की महादेवी होगी। इस प्रकार गणधर के द्वारा कहे हुए अपने भाव सुनकर सत्यभामा बहुत संतुष्ट हुई। अथान्तर महादेवी रुक्मणी के नमस्कार कर अपने भवान्तर पूछे, जिनकी समस्त चेष्टाएं परोपकार के लिए ही थी। ऐसे गणधर भगवान कहने लगे कि भरत क्षेत्र संबंधी मगध देश के अंतर्गत एक लक्ष्मी ग्राम नाम का ग्राम है। उसमें सोम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम लक्ष्मीमती था। किसी एक दिन लक्ष्मीमती ब्राह्मणी आभूषण आदि पहनकर दर्पण देखने के लिए उद्यत हुई। इतने में समाधिगुप्त नाम के मुनि भिक्षा के लिए आ पहुँचे। इनका शरीर पसीना तथा मैल से लिप्त है और यह दुर्गंध दे रहा है। इस प्रकार क्रोध करती हुई लक्ष्मीमती ने घृणा से युक्त होकर निंदा के वचन कहे। मुनि निंदा के पाप से उसका शर्मा शरीर उदुम्बर नामक कुष्ठ से व्याप्त हो गया। इसलिए वह जहाँ जाती थी वहीं पर लोग उसे कठोर शब्द कहकर कुत्ती के समान ललकार कर भगा देते थे। वह सूने मकान में पड़ी जाती थी। अंत में हृदय में पति का स्नेह रख बड़े दुख से मरी और उसी ब्राह्मण के घर दुर्गंध युक्त चुचुंदर हुई। वह पूर्व परवाह के स्नेह के कारण बार बार पति के ऊपर दौड़ती थी। इसलिए वह क्रोधित होकर उसे पकड़ा और बाहर ले जाकर कहीं बड़ी दुष्टता से पटक दिया, जिससे वह मरकर उसी ब्राह्मण के घर सर्प हुई। फिर मरकर अपने पाप कर्म के उदय से वहीं गधा हुई। वह बार बार ब्राह्मण के घर आता था, इसलिए ब्राह्मणों ने कुपित होकर उसे लाठी तथा पत्थर आदि से मारा और उसका पैर टूट गया। घाव में कीड़े पड़े, जिससे व्याकुल होकर वह कुएं में पड़ गया और दुखी होकर मर गया। फिर अंधा सांप हुआ, फिर मरकर अंधा सुअर हुआ। उस सुअर को गांव के कुत्तों ने खा लिया, जिससे मरकर मंदिर नामक गांव में नदी पार कराने वाले मत्स्य नामक धीरेवर की मंडूक नाम की स्त्री से पूतिका नाम की पापिनी पुत्री हुई। उत्पन्न होते ही उसका पिता मर गया और माता भी चल बसी। इसीलिए माता मही नानी ने उसका पोषण किया। वह सब प्रकार से अशुभ थी और सब लोग उससे घृणा करते थे। किसी एक दिन वह नदी के किनारे बैठी थी और वहीं पर उसे समाधिगुप्त मुनिराज के दर्शन हुए, जिनकी की उसने लक्ष्मीमती पर्याय में निंदा की थी। वे मुनि प्रतिमा योग से अवस्थित थे। पुतिका की काल लब्धि अनुकूल थी, इसलिए वह शांत भाव को प्राप्त कर रात्रि भर मुनिराज के शरीर पर बैठने वाले मच्छर आदि को दूर हटाती रही। जब प्रातःकाल के समय प्रतिमा योग समाप्त कर मुनिराज विराजमान हुए, तब वह उनके चरण कमलों के समीप जा पहुंची और उनका कहा हुआ धर्मोपदेश सुनने लगी। धर्मोपदेश से प्रभावित होकर उस बुद्धिमती ने पर्व के दिन उपवास करने का नियम लिया। दूसरे दिन वह जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने के लिए जा रही थी। उसी समय उसे एक आरिका के दर्शन हो गए। वह उन्हीं आरिका के साथ दूसरे गांव तक चली गई। वहीं पर उसे भोजन भी प्राप्त हो गया। इस तरह वह प्रतिदिन ग्रामांतर से लाए हुए भोजन से प्राण रक्षा करती थी और पाप के भय से अपने आचरण की रक्षा करती हुई किसी पर्वत की गुफा में रहने लगी। एक दिन एक श्राविका आरिका के पास आई। आरिका ने उसे कहा कि पूती का नीच कुल मतपन होने पर भी इस तरह सदाचार का पालन करती है, यह आश्चर्य की बात है। आरिका की बात सुनकर उस श्राविका को बड़ा कौतुक हुआ। जब पूती का पूजा दर्शन कर चुकी थी, तब वह स्नेहवश उसके पास आकर उसकी प्रशंसा करने लगी। इसके उत्तर में पूतिका ने कहा, हे माता, मैं तो महापापनी हूँ, मुझे आप पुण्यति क्यों कहती हैं। यह कर उसने समाधिगुप्त मुनिराज से जो अपने पूर्व भाव के सुने थे, ये सब क्या सुना है। वह श्राविका पूतिका की पूर्व भाव की सखी थी। पूतिका के सुख से मुख से जानकर उसने कहा कि यह जीव पाप का भय होने से ही जैन धर्म जैन मार्ग को प्राप्त होता है। इस संसार में पूर्व भाव से अर्जित पाप कर्म के उदय से विरूपता, रोगीपना, दुर्गंधता तथा निर्धनता आदि किन्हें नहीं प्राप्त होती, अर्थात सभी को प्राप्त होती है। इसलिए तू शोक मत कर। तेरे द्वारा ग्रहण किए हुए व्रत, शील तथा उपवास आदि पर जन्म के लिए ही दुर्लभ पाथे संबल के समान है।
अब तू भय मत कर। इस प्रकार उस श्राविका ने उसे खूब उत्साह दिया। तदंतर समाधि मरण कर वह अचितेंद्र की अतिशय प्यारी देवी हुई। 55 पल्ले तक वह अखंड सुख का उपभोग करती रही। वहाँ से च्युत होकर विदर्भ देश के कुंडलपुर नगर में राजा वासव की श्रीमती से तू रुक्मणी नाम की पुत्री हुई है। तदंतर कौशल नाम की नगरी में राजा भीषण राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम मद्री था। उन दोनों के एक 3 नेत्र वाला शिशुपाल नाम का पुत्र हुआ। मनुष्यों में 3 नेत्र का होना अभूतपूर्व था, इसलिए राजा ने निमित्त ज्ञानी से पूछा कि इसका क्या फल है। तब परोक्ष की बात जानने वाले निमित्त ज्ञानी ने साफ साफ कहा कि जिसके देखने से इसका तीसरा नेत्र नष्ट हो जाएगा, यह उसी के द्वारा मारा जाएगा, इसमें संशय नहीं है। किसी एक दिन राजा भीषण, रानी मद्री, शिशुपाल तथा अन्य लोग बड़ी उत्सुकता के साथ श्री कृष्ण का दर्शन करने द्वारावती नगर गए थे। वहाँ श्री कृष्ण के देखते ही शिशुपाल का तीसरा नेत्र अदृश्य हो गया। सो ठीक ही है, क्योंकि द्रव्यों की शक्तियाँ विचित्र हुआ करती है। यह देख मद्री को निमित्त ज्ञानी की बात याद आ गई, इसलिए उसने डर कर श्री कृष्ण से याचना की, हे पूज्य, मेरे लिए पुत्र भिक्षा दीजिए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे अम्ब, 100 अपराध पूर्ण हुए बिना इसे मुझसे भय नहीं है, अर्थात जब तक 100 अपराध नहीं हो जाएंगे तब तक मैं इसे नहीं मारूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण से वरदान पाकर मद्री अपने नगर को चली गई। इधर वह शिशुपाल बाल्यावस्था में ही सूर्य के समान दैदीप्यमान होने लगा, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य का मंडल विशुद्ध होता है उसी प्रकार उसका मंडल मंत्री आदि का समूह भी विशुद्ध था, विद्वेष रहित था। जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही अंधकार को नष्ट करता है, उस प्रकार शिशुपाल भी उदित होते ही निरंतर शत्रु रूपी अंधकार को नष्ट कर देता था। जिस प्रकार सूर्य पद्म अर्थात कमल को आनंदित करता है, उसी प्रकार शिशुपाल भी पद्म अर्थात लक्ष्मी को आनंदित करता था। जिस प्रकार सूर्य की किरणें तीक्ष्ण अर्थात उष्ण होती हैं, उसी प्रकार महसूल भी तीक्ष्ण अर्थात भारी था। जिस प्रकार सूर्य क्रूर अर्थात उष्ण होता है, उसी प्रकार शिशुपाल भी क्रूर अर्थात दुष्ट था। जिस प्रकार सूर्य प्रतापवान अर्थात तेज से सहित होता है, उसी प्रकार शिशुपाल भी प्रतापवान अर्थात सेना और कोष से उत्पन्न हुए तेज से युक्त था। और जिस प्रकार सूर्य अन्य पदार्थों के तेज को छिपाकर भूव्रत अर्थात पर्वत के मस्तक पर शिखर को अपने पाद अर्थात किरण स्थापित करता है, उसी प्रकार शिशुपाल भी अन्य लोगों के तेज को आच्छादित कर राजाओं के मस्तक पर अपने पाद अर्थात चरण रखता था। वह आक्रमण की इच्छा रखने वाले पराक्रम से अपने आप को सब राजाओं में श्रेष्ठ समझने लगा और सिंह के समान श्री कृष्ण के ऊपर भी आक्रमण कर उन्हें अपने इच्छानुसार चलाने की इच्छा करने लगा। इस प्रकार अहंकारी समस्त संसार में फैलने वाले यश से उपलक्षित और अपनी आयु का समर्पण करने वाले उस शिशुपाल ने श्री कृष्ण के 100 अपराध कर डाले। वह अपने आप को ऊंचा श्रेष्ठ समझकर सबका शिरोमणि समझता था, सदा करने योग्य कार्यों की पक्ष से सहित रहता था और श्री कृष्ण को भी ललकार कर उसकी लक्ष्मी छीनने का उद्यम करता था। शांत हुआ शत्रुओं का समूह पापों के समूह से के समान नष्ट कर ही देता है, इसलिए विजय की इच्छा रखने वाले राजा को मोमुक्ष के समान शत्रु को नष्ट करने में विलंब नहीं करना चाहिए। गणधर भगवान महारानी रुक्मिणी से कहते हैं कि इस प्रकार समय बीत रहा था कि इसी बीच में तेरा पिता तुझे बड़ी प्रसन्नता से शिशुपाल को देने के लिए उद्यत हो गया। जब युद्ध की इच्छा रखने वाले नारद ने यह बात सुनी तो वह श्री कृष्ण के लिए यह सब समाचार बतलाया। श्री कृष्ण ने 6 प्रकार की सेना के साथ जाकर उस बलवान शिशुपाल को मारा और तुझे लेकर महादेवी के पट पर नियुक्त किया। गणधर भगवान के यह वचन सुनकर रुक्मणी को बड़ा हर्ष हुआ। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि इस तरह रुक्मणी की कथा सुनकर दुर्बुद्धि के सिवा ऐसा कौन मनुष्य होगा जो महामुनियों को मलिन देखकर उनसे घृणा करेगा। अथांतर रानी जामवती ने बड़े आदर के साथ नमस्कार कर गणधर भगवान से अपने पूर्व पूछे और गणधर भगवान भी इस प्रकार कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में पुष्कलावती नाम का देश है। उस समय वीतशोक नगर में दमक नाम का वैश्य रहता था। उसकी स्त्री का नाम देवमती था और उन दोनों के एक देविला नाम की पुत्री हुई।
वह पुत्री वसुमित्र के लिए दी थी, परंतु कुछ समय बाद विधवा हो गई, जिससे विरक्त होकर उसने जिनदेव नामक मुनिराज के पास जाकर व्रत ग्रहण किए और आयु के अंत में वह मरकर मेरु पर्वत के नंदनवन में जंतर देवी हुई। तदंतर वहाँ के 84,000 वर्ष की आयु समाप्त कर वहाँ से चयकर पुष्कलावती देश के विजयपुर नामक नगर में मधुषण वैश्य की बंधुमती स्त्री से अतिशय सुंदरी बंधु यशा नाम की पुत्री हुई। उसका अभ्युदय दिनों दिन बढ़ता ही जाता था। वहीं पर उसने जिनदेव की पुत्री जिनदत्ता नाम की एक सखी थी, उसके साथ उसने उपवास किए, जिसके फलस्वरूप मरकर प्रथम स्वर्ग में कुबेर की देवांगना हुई। वहाँ से चयकर पुंडरी की नगरी में वज्र नामक वैश्य और उसकी सुभद्रा स्त्री के सुमति नाम की उत्तम पुत्री हुई। वहाँ उसने सुव्रता नाम की आरिका के लिए आहार दान देकर रत्नावली नाम का उपवास किया, जिससे ब्रह्म स्वर्ग में श्रेष्ठ अप्सरा हुई। बहुत दिन बाद वहाँ से चयकर इसी जम्बूद्वीप के विजयात पर्वत की उत्तर श्रेणी पर जाम्बर नाम के नगर में राजा जाम्बर और रानी जम्बूसेना केतु जाम्बवती नाम की पुत्री हुई। उसी विजयात पर्वत पर पवन वेग तथा श्यामला का पुत्र नमी रहता था। वह रिश्ते में भाई का सहारा था और तुझे चाहता था। एक दिन वह ज्योतिर्वन में बैठा था और वहाँ तेरे पति तीव्र इच्छा होने के कारण उसने कहा कि यदि जाम्बवती मुझे नहीं दी जाएगी तो मैं उसे छीन कर ले लूँगा। यह सुनकर तेरे पिता जाम्बव को बड़ा क्रोध आ गया। उसने उसे खाने के लिए माक्षिक लक्षिता नाम की विद्या भेजी। उस समय वहाँ किन्नरपुर का राजा नमी कुमार का मामा यक्षमाली विद्याधर विद्यमान था। उसने यह विद्या छेद डाली। अपनी सब विद्याओं के छेदी जाने पर सुनकर राजा जाम्बव ने अपना जम्बू नाम का पुत्र भेजा। सेना के साथ आक्रमण करता हुआ जम्बू कुमार जब वहाँ पहुँचा तो वह नमी डर कर अपने मामा के साथ अपने स्थान से भाग खड़ा हुआ। तो ठीक ही है, क्योंकि जो कार्य बिना विचार किए जाता है उनका फल पराभव के सिवा और क्या हो सकता है। नारद यह सब बात जानकर शीघ्र ही कृष्ण के पास आ गया और जाम्बवती के अतिशय सुंदर रूप का वर्णन करने लगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं उस सती को हठात जबरदस्ती हरण करूँगा। यह कहकर वे अपनी सेना रूपी संपत्ति के साथ चल पड़े और विजयात पर्वत के समीपवर्ती वन में ठहर गए। बलदेव उनके साथी थे। यह कार्य अत्यंत कठिन है ऐसा जानकर उन्होंने उपवास का नियम लिया और रात्रि के समय मन में विचार किया कि यह कार्य किसके द्वारा सिद्ध होगा। देखो, जिसने 3 खंड वश कर लिए हैं ऐसा श्री कृष्ण का भविष्य वहाँ खंडित दिखने लगा। परंतु उस विद्याधर राजा के विरोधी श्री कृष्ण का पुण्य भी कुछ वैसा ही प्रबल था कि जिससे उनके पूर्व जन्म का यक्षिण नाम का छोटा भाई, जो तप कर महाशुक्र स्वर्ग से देव हुआ आया और कहने लगा कि मैं ये 2 विद्याएं देता हूँ, इन्हें तुम सिद्ध करो। इस प्रकार यह कहकर विद्याएं सिद्ध करने की विधियां बतलाकर वह स्वर्ग चला गया। इधर श्री कृष्ण क्षीर सागर बनाकर उसमें नागशैया पर अरूण हुए और विधिपूर्वक 4 माह तक विद्याएं सिद्ध करते रहे। अंत में बलदेव को सिंहवाणी और श्री कृष्ण को गरुणवाणी विद्या सिद्ध हो गई। तदंतर उन विद्याओं पर अरूण होकर श्री कृष्ण ने युद्ध में जाम्बव को जीता और उनकी पुत्री तुच्छ जाम्बवती को ले आए। घर आकर उन्होंने तुझे बड़ी प्रीति के साथ महादेवी के पद पर नियुक्त किया। यदि भी पूर्व जन्म का वृत्तांत अस्पष्ट था तो भी वक्ता विशेष के मुख से सुनने के कारण वह सब का सब जानवती को प्रत्यक्ष के समान स्पष्ट हो गया। अथांतर इन्हीं गणनायक मुनिराज को नमस्कार कर सुसीमा नाम की पटरानी अपने पूर्व भाव का संबंध पूछने लगी। तब शिष्यजनों के अकारण बंदूकगण भगवान अपने वचन रूपी किरणों के समूह से उसके मन रूपी कमल को प्रफुल्लित करते हुए इस प्रकार कहने लगे। घातीखंड द्वीप के पूर्वार्ध भाग के पूर्व विदय में एक अतिशय प्रसिद्ध मंगलावती नाम का देश है, जो प्राणियों के भोगोपभोग का एक ही साधन है। उसमें रत्न संचय नाम का एक नगर है। उसमें राजा विश्वदेव राज्य करता था और उसके शोभा संपन्न अनुंदरी नाम की रानी थी। किसी एक दिन अयोध्या के राजा विश्वसेन को अयोध्या के राजा ने राजा विश्वसेन को मार दिया, इसलिए अत्यंत शोक के कारण मंत्रियों के निषेध करने पर भी वह रानी अग्नि में प्रवेश कर जल मरी। मरकर वह विजयात पर्वत पर 10,000 वर्ष वाली आयु की व्यंता देवी हुई। वहाँ की आयु पूर्ण होने पर वह अपने कर्मों के अनुसार संसार में भ्रमण करती रही। तदंतर किसी समय इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी शालिग्राम के यक्ष की स्त्री देवसेना के यक्ष देवी नाम की बुद्धिमती पुत्री हुई। किसी एक दिन
उसने धर्मसेन मुनि के पास जाकर व्रत ग्रहण किए और एक महीने का उपवास करने वाले मुनिराज को उसने आहार दिया। यक्ष देवी किसी एक दिन क्रीड़ा करने के लिए वन में गई थी। वहाँ अचानक बड़ी वर्षा हुई। उससे एक भय से वह गुफा में चली गई। वहाँ एक अजगर ने उसे निगल लिया, जिससे वह हरिवश नामक भोग भूमि में उत्पन्न हुई। वहाँ के भोग भोग कर नागकुमारी हुई। फिर वहाँ से चलकर विदेह क्षेत्र के पुष्कलावती देश संबंधी पुंडरी की नगरी में राजा अशोक और सोमशी रानी के श्रीकांता नाम की पुत्री हुई। किसी एक दिन जिनदत्ता आरिका के पास दीक्षा लेकर अच्छे अच्छे व्रतों का पालन किया, चिरकाल तक तपस्या की और कनकावली नाम का घोर उपवास किया। इन सब के प्रभाव से वह महेंद्र स्वर्ग में देवी हुई। वहाँ के देवों का भोग भोग कर आयु के अंत में वहाँ से च्युत हुई और सुराष्ट्रवदन राजा की रानी सुज्येष्ठा की अच्छे लक्षणों वाली तू पुत्री हुई है और श्री कृष्ण की पटरानी होकर आनंद से बढ़ रही है। इस प्रकार अपने भवंतरों का संबंध सुनकर सुसीमा रानी हर्ष से प्राप्त हुई। सो ठीक ही है, क्योंकि अपनी उत्तरोत्तर बुद्धि को सुनकर कौन संतोष को प्राप्त नहीं होता। अथांतर महारानी लक्ष्मणा भी मुनिराज को नमस्कार कर अपने भाव के सुनने की इच्छा करने लगी और इसका अनुग्रह करने की इच्छा रखने वाले मुनिराज भी इस प्रकार कहने लगे। इसी जम्बू तीर्थ के पूर्व देश क्षेत्र में एक पुष्कलावती नाम का देश है। उसमें अरिष्टपुर नगर में राजा वासव राज्य करता था। उसकी वसुमती नाम की रानी थी और उन दोनों के समस्त गुणों की खान स्वरूप सुषेण नाम का पुत्र था। किसी कारण से राजा वासव ने विरक्त होकर सागरसेन मुनिराज के समीप दीक्षा ले ली, परंतु रानी वसुमती पुत्र के मुँह से मोहित होने के कारण गृहवास छोड़ने के लिए समर्थ नहीं हो सकी, इसलिए कुछ कुचेष्टा से मरकर भीलनी हुई। एक दिन उसने नंदीवदन नामक चांद मुनिराज के पास जाकर श्रावक के व्रत ग्रहण किए, मरकर आठवें स्वर्ग में इंद्र की प्यारी नेत्रकारिणी हुई। वहां से चलकर जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर चंद्रपुर नगर के राजा महेंद्र की रानी अंदरित के नेत्रों को पिड़कने वाली कनकमाला नाम की पुत्री हुई और सिद्ध विद्य नाम के स्वयंवर में माला डालकर उसने हरिवाहन को अपना पति बनाया। किसी एक दिन उसने सिद्धकूट पर विराजमान यमधर नामक गुरु के पास जाकर अपने पहले के भवों की परंपरा सुनी, तदनंतर मुक्तावली नाम का उपवास कर तीसरे की प्रिय इंद्राणी हुई। वहाँ 9 कल्प की उसकी आयु थी। आयु के अंत में वहाँ से आकर सुप्रकार नगर के स्वामी राजा शंबर की श्रीमती रानी से पुत्री हुई है। तू भी पद्म और ध्रुवसेन की छोटी बहन है, गुणों में श्रेष्ठ है, सब लक्षणों से युक्त है और लक्ष्मणा तेरा नाम है। किसी एक दिन पवन वेग नाम का विद्याधर श्री कृष्ण के समीप जाकर कहने लगा, यह चक्रपति, विद्याधरों में राजा शंबर की एक लक्ष्मणा नाम की पुत्री है जो आकाश में निर्मल चंद्रमा की कला की तरह सुशोभित है, काम को उद्दीपित करने वाली है और आपकी योग्य है। पवन वेग के वचन सुनकर श्री कृष्ण से तो तू ही उसे ले आ, यह कहकर उसे ही भेजा और वह भी शीघ्र ही जाकर तेरे माता पिता की स्वीकृति से तुझे ले आया और श्री कृष्ण को समर्पित कर दी। कृष्ण ने महादेवी का पट्ट बांधकर तुझे इस प्रकार सम्मानित किया है। इस तरह अपने भवानता सुनकर लक्ष्मणा बहुत ही प्रसन्न हुई। तदनंतर श्री कृष्ण ने गांधारी, गौरी और पद्मावती के भवानतर पूछे। तब गणधर देव इस प्रकार कहने लगे, इसी जम्बूद्वीप में सुकौशल नाम का एक देश है। उसकी अयोध्या नगरी में रुद्र नाम का राजा राज्य करता था और उसकी विनयश्री नाम की मनोहर रानी थी। किसी एक दिन उस रानी ने सिद्धार्थ नामक वन में बुद्धार्थ नामक मुनिराज के लिए आहार दिया, जिससे अपनी आयु पूरी होने के कारण उत्तर कुरु नामक उत्तम भोग भूमि उत्पन्न हुई। वहाँ के भोग भोग कर च्युत हुई तो चंद्रमा की चंद्रवती नामक देवी हुई। आयु समाप्त होने पर वहाँ से च्युत होकर इसी जम्बूद्वीप के विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर गगनवल्लभ नगर में विद्याधरों के कांतिमान राजा विद्युतवेग की रानी विद्युतवेगा के सुरूपा नाम की पुत्री हुई। वह विद्या और पराक्रम से सुशोभित नित्यालोकपुर के स्वामी राजा महेंद्र विक्रम के लिए दी गई। किसी एक दिन वे दोनों दंपत्ति चैत्यालयों में जिनन भगवान की पूजा करने के लिए उत्सुक होकर सुमेरु पर्वत पर गए। वहाँ पर विराजमान किन्हीं चारण नदी मुनि के मुख रूपी चंद्रमा से झरे हुए अमृत के समान धर्म का दोनों ने कानों से पान कर वे दोनों ही परम तृप्ति को प्राप्त हुए। उन दोनों में से राजा महेंद्र विक्रम ने तो उन्हीं चारण मुनिराज के समीप दीक्षा ले ली और रानी सुरूपा ने सुभद्रा नामक आरिका के चरण मूल में जाकर संयम धारण किया।
आयु पूरी कर सौधम स्वर्ग में देवी हुई और वहाँ की एक पल्ले प्रमाण की आयु पूरी हुई तो वहाँ से चलकर गांधार देश की पुष्करावती नगरी के राजा इंद्रगिरि की मेरुमती रानी से गांधारी नाम की पुत्री हुई। राजा इंद्रगिरि अपने इसे अपनी बुआ के लड़के को देना चाहते थे, पर जब यह बात जगत को अप्रिय पाप बुद्धि नारद ने सुनी तब शीघ्र ही उसने तुम्हें इसकी खबर दी। सुनते ही तू भी प्रेम के वश हो गया और सेना से जाकर युद्ध के लिए चल पड़ा। युद्ध में राजा इंद्रगिरि और उसके सहायक अन्य राजाओं को पराजित कर इस गांधारी को ले आया और फिर इसे महादेवी का पट्ट बंध प्रदान किया, पटरानी बना दिया। अथान तक गंधर्व भगवान कहने लगे कि अब मैं गौरी के भाव कहता हूँ, सो हे कृष्ण तू सुन। इसी जम्बूद्वीप के एक पुन्नागपुर नामक नाम का अतिशय प्रसिद्ध बड़ा भारी नगर है। उसकी रक्षा करने वाला राजा हिमाप था और उसकी रानी यशस्वी थी। किसी एक दिन यशोदर नाम के राजानतिदारी मुनिराज को देखकर उसे अपने पूर्व भवों का स्मरण हो आया। राजा के पूछने पर वह अपने दांतों की कांति से उन्हें नहलाती हुई इस प्रकार अपने पूर्व भव कहने लगी। गातकीखंड द्वीप के पूर्व मेरु से पश्चिम की ओर जो विदेह क्षेत्र है उसमें एक अशोकपुर नाम का नगर है। उसमें आनंद नाम का एक उत्तम वैश्य रहता था। उसकी स्त्री के एक आनंद झा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। किसी समय आनंद झा ने अमित सागर मुनिराज के लिए आहार देकर पंचाक्षर प्राप्त किए। इस दान जन्य पुण्य के प्रभाव से वह आयु पूर्ण होने पर उत्तर कुरु में उत्पन्न हुई। वहां के सुख भोगने के बाद भवन वासियों की इंद्र की इंद्राणी हुई और वहां से च्युत होकर यहाँ उत्पन्न हुई है। इस प्रकार रानी यशस्वी ने अपने पति राजा हिमाप के लिए बड़े हर्ष से अपने पूर्व सुनाए। तदनंतर रानी यशस्वी किसी समय सिद्धार्थ नामक वन में गई। वहां सागर सेन नामक मुनिराज के पास उसने उपवास ग्रहण किए। आयु के अंत में मरकर प्रथम स्वर्ग में देवी हुई। तदनंतर वहां की स्थिति पूरी होने पर इसी जम्बूद्वीप के कौशाम्बी नगरी में सुमति नामक सेठ की सुभद्रा नाम की स्त्री से धार्मिकी नाम की पुत्री हुई। यहाँ पर उसने जिनमती आरिका से दिए हुए जिन गुण संपत्ति नाम के व्रत का अच्छी तरह पालन किया, जिसके प्रभाव से मरकर महाशुक्र स्वर्ग में देवी हुई। वहाँ बहुत समय बाद वहाँ से चयकर वीतशो नगर के स्वामी राजा मेरुचंद्र की चंद्रवती रानी के रूप लावण और कांति आदि की खान ये गौरी नाम की पुत्री हुई है। स्नेह से भरे विजयपुर नगर के स्वामी राजा विजयनंदन ने यह लाकर तुझे दी है और तूने भी इसे पटरानी बनाया है। इस प्रकार गंधर्व भगवान ने गौरी के भवांतर कहे, जिसे सुनकर कृष्ण हर्ष को प्राप्त हुए। तदंतर गुणों की खान गंधर्व देव लोगों का मन हरण करने वाले पद्मावती के पूर्व भवों का बंधन संबंध इस प्रकार कहने लगे। इसी भरत क्षेत्र की उज्जैन नगरी में राजा विजय राज्य करता था। उसकी विक्रांति के समान अपराजिता नाम की रानी थी। उन दोनों के विनयश्रय नाम की पुत्री थी। वह हस्तशीर्षपुर के राजा हरिश्रेण को दी गई थी। विनयश्रय ने एक बार समाधिगुप्त मुनिराज के लिए बड़े हर्ष आहार दान दिया था, जिसके पुण्य से वह हेमवत क्षेत्र में उत्पन्न हुई। चिरकाल तक वहाँ के भोग भोग कर आयु के अंत में वह चंद्रमा की रोहिणी नाम की देवी हुई। जब एक पहले प्रमाण वहाँ की आयु समाप्त हुई तब मगध देश के शालमली गांव में रहने वाले विजय देव की देवीला स्त्री से पद्मती नाम की पतिव्रता पुत्री हुई। उसने किसी समय वर्धव नामक मुनिराज के पास मैं कष्ट के समय भी अनजाना फल नहीं खाऊंगी ऐसा दृढ़ व्रत लिया। किसी एक समय आक्रमण कर घात करने वाले भीलों ने उसे गांव को लूट लिया। उस समय वहां सब लोग भीलों के राजा सिंहरथ के डर से पद्मती को महाआरती में ले गए। वहाँ भूख से पीड़ित होकर सब लोगों ने विश्वल खा लिया, जिससे वे शीघ्र ही मर गए। परंतु व्रत भंग के डर से पद्मावती ने उन फलों को नहीं छुआ, इसलिए वह आहार के बिना ही मरकर हेमवत क्षेत्र नामक भोग भूमि में उत्पन्न हुई। आयु पूर्ण होने पर वहां से चलकर स्वयंप्रभ द्वीप में स्वयंप्रभा नाम की देवी हुई। वहां से चलकर इसी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी जयंतपुर नगर में वहां के राजा श्रीधर और रानी श्रीमती के सुंदर शरीर वाली विमलश्री नाम की पुत्री हुई। वह बद्रपुर के स्वामी राजा मेघरथ की इच्छित सुख देने वाली रानी हुई। किसी समय शुद्ध बुद्धि के धारक राजा मेघनाथ ने राज्य छोड़कर धर्म नामक मुनिराज के समीप पर्वत धारण कर लिए, जिससे वह सहस्त्रार्थ नामक स्वर्ग में 18 सागर की आयु वाला दैदीप्यमान कांति का धारक इंद्र हो गया। इधर रानी विमलश्री ने भी पद्मावती नामक आरिका के पास जाकर संयम धारण कर लिया और
आचाल मर्द व्रत नाम का उपवास किया, जिसके फलस्वरूप वह आयु के अंत में उसी सहसा स्वर्ग में देवी हुई और आयु के अंत में वहाँ से च्युत होकर अरिष्टपुर नगर के स्वामी राजा हिरण्य वर्मा की रानी श्रीदेवी से श्रीमती के पद्मावती नाम की पुत्री है। इसने स्नेह से युक्त होकर स्वयंवर में रत्नमाला डालकर आपका सम्मान किया था और तदंतर इस शीलवती ने महादेवी का पद प्राप्त किया। इस प्रकार गणधर भगवान के मुखारविंद से अपने अपने भाव सुनकर श्री कृष्ण की गौरी, गांधारी और पद्मावती नाम की तीनों रानियां हर्ष को प्राप्त हुई। इस प्रकार गुणों के भंडार गणधर देव ने स्पष्ट और मिष्ट अक्षरों के द्वारा पूर्व भवाली से सुशोभित निर्णय का साक्षात वर्णन कर दिखाया और श्री कृष्ण भी अपनी प्यारी आठों रानियों को सुख दुख भरी कथाएँ अच्छी तरह सुनकर अंत में प्रवृत्ति प्रदान करने वाले संतोष को प्राप्त हुए। वे देवियाँ भी अनेक जन्म में कमाए हुए अपने पापों का नाश करने वाले श्री गणधर भगवान के दिव्य वचन हृदय में धारण कर बहुत प्रसन्न हुई और सबने कल्याणकारी तथा बहुत भारी सुख प्रदान करने वाले अनंत भगवान के धर्म में अपनी बुद्धि लगाई। इस संसार में एक धर्म को छोड़कर दूसरा कार्य प्राणियों का कल्याण करने वाला नहीं है। धर्म रहित मूर्ख जीवों का जो चरित्र है उसे धिक्कार हो। इस प्रकार विचार करते हुए सब सभासदों ने पाप रहित होकर श्री नेमिनाल भगवान का कहा हुआ धर्म स्वीकार किया। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार्य प्रणित त्रिपुष्टि लक्षण महापुराण के संग्रह में नेमि चरित्र प्रकरण में भावांतरों का वर्णन करने वाला 71वां पर्व समाप्त हुआ।